हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं ब्रजेश सिंह। आज आप लोगों के साथ एक जिद्दी लड़की की कहानी शेयर कर रहा हूं, जिसका जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के सुल्तानपुर में हुआ था। लड़की 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस के एक लोकल डब्बे में जा रही थी। उस रात करीब 1 बजे के आसपास 4-5 बदमाश उस ट्रेन में घुस जाते हैं और यात्रियों को लूटना शुरू करते हैं। लूटपाट के क्रम में उस लड़की के गले में रहे गोल्डन चेन पर उनका नजर जाता है और वो छीनने का प्रयास करते हैं। वो लड़की भी पहले से वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी है और उसमें खिलाड़ी वाली स्पीड जग उठती है और वो प्रतिकार करती है। वो बदमाश उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। उसी समय दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही होती है, जिसमें जाकर वो लड़की टकरा कर नीचे गिरती है। तो उसके बाएं पैर कटकर उसके जींस में ही लिपट कर झूल रहे होते हैं और दूसरे पैर के भी हड्डियां टूटकर बाहर आ जाती हैं और उसे बरेली के आसपास में फेंका गया था। वो लड़की आवाज देती है हेल्प के लिए, पर उसे वहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं होता है। लगभग रात भर 49 ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं, उसे दिखता कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी वहाँ। कारण कि उसके बॉडी अचेत अवस्था में थे पर उसके ब्रेन कॉन्शस सक्रिय थे। जब रात भर वहीं पे रही लगभग 7 घंटे, उसके पैरों को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे ट्रैक्स पे चूहा भी पाया जाता है, उसके पैरों को चूहे उतर रहे थे। जब सुबह हुआ तो आसपास के गांव वालों ने उस लड़की को देखा और उसे नज़दीक के ही हॉस्पिटल बरेली ले गए। बरेली में जब डॉक्टर्स एवं फार्मासिस्ट ने उन्हें देखा तो आपस में चर्चे कर रहे थे कि इसके पैर को काट कर हटाना पड़ेगा, इसके लिए न हमारे पास ब्लड है न एनेस्थीसिया की कोई व्यवस्था है, इसका अगर उपचार हम करें तो करें कैसे। फिर वो लड़की उन तमाम बातों को उनके बातों को सुन रही थी। वो लड़की बोली कि जब मैं 7 घंटे रेलवे ट्रैक्स पर पड़ी रही तो मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तो आप मेरे भलाई के लिए ही मेरे पैरों को काटना चाहते हैं, आप बेशक बगैर एनेस्थीसिया को ही काटिए। और उसके बाद उस लड़की के पैर को काटे गए। आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि किसी पेशेंट के लिए डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने एक एक यूनिट ब्लड भी दिए और उसके पैर को काट करके हटाए। महसूस कर सकते हैं आप उस पीड़ा को जब कभी वो लड़की अपनी कहानी कहती है, तो इस चीज़ को अपने पीड़ा को वहाँ पर बयां भी करती है। उसके बाद मीडिया में तमाम खबरें आती हैं और उसे KGMC कॉलेज किंजौर अस्पताल आपको लखनऊ में एडमिट कराया जाता है। वहाँ के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पे उसका इलाज लगभग 4 महीने चलते हैं। और 4 महीने इलाज चलने के बाद जब 25 दिन बीतता है, वो लड़की थोड़ी थोड़ी जब ठीक हो जाती है तो न्यूज़पेपर वहाँ पर देखती है। इस न्यूज़पेपर में खबर छपे होते हैं कि अरुणिमा सिन्हा टिकट बगैर टिकट ट्रेन में
यात्रा कर रही थी इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। फिर दूसरे रोज न्यूज़पेपर में खबर आता है कि वो आत्महत्या करना चाहती थी इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। इस तरह के तमाम खबरें वहाँ पर देखने को मिलता था। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो खबरें हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में मीडिया में देखते हैं, हम अपना विचार भी उसी तरह से बनाते हैं। और वहाँ के हाई फाई लोग भी इसी तरह से कुछ चर्चे कर रहे थे, जिसे सुन करके उस लड़की का, जिसका ऑलरेडी एक पैर कट गया हो, दूसरे पैर की हड्डियाँ भी टूट कर बाहर आ गई हो, ना ही नहीं उसके रीढ़ में 3-3 फ्रैक्चर्स भी थे, न जाने उस लड़की के ऊपर उस समय क्या बीतता होगा, उनके परिवार वालों पर क्या बीतता होगा, इसका आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर वो लड़की अपने बेड से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। फिर भी उसे वहाँ पर सुनने वाले कोई नहीं थे। वो हाई फाई लोग एक मध्यम वर्गीय को सुनेंगे तो आखिर सुनेंगे क्यों? उनके परिवार वालों ने इन तमाम खबरों को खंडन भी किया, खबरों का खंडन भी किया, लेकिन फिर भी उसके रिश्तेदार भी आते थे उससे मिलने जुलने। वो भी बोलते थे कि ओहो, पहले कितनी अच्छी एक राष्ट्रीय प्लेयर थी वॉलीबॉल की, अब वो कैसे मतलब रहेगी, क्या करेगी। ये तमाम कुछ संवेदना वाली जो शब्द थे, सेंटेंसेस सुनकर उसे लगता था वो सोचने पर मजबूर हुई कि मैं एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल का प्लेयर, आज मेरे पास पैर नहीं, मेरे पैर कट चुके हैं, अब इसके बाद की ज़िंदगी या व्हील चेयर पर बीतेगा मेरा, या बेड पर बीतेगा मेरा, इन सबसे अच्छा है क्यों ना मैं कुछ अलग कर जाऊँ। तभी उसके माइंड में इस मंथन मंथन के दौरान एक माउंटेनियरिंग का सपना आता है। कहा जाता है, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसने अपने मन, मस्तिष्क, दिल और अंतरात्मा से माउंटेनियरिंग करने का सोचती है। और मित्र, जब वो 4 महीने के बाद हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होती है, तो आप सोचे होंगे कि वो अपने घर चली गई होगी, लेकिन नहीं, वो सीधे वहाँ से जमशेदपुर मैडम पछेंद्री पाल के पास पहुँचती है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट का आरोही रह चुकी है। उनके पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे उसके लिए प्रशिक्षण दीजिए। लेकिन वो इसको जब देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होती है, एक लड़की जिसके बाएं पैर ऑलरेडी कट चुके हैं और आर्टिफिशियल लेग वो लगाई हुई थी, दूसरे पैर के भी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और उसमें भी स्टील के प्लेट्स लगे हुए हैं, वो कैसे भला चढ़ पाएगी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने उन्हें अपने बारे में बताया और बोली कि नहीं, मैं जिस भी हालत में मैं चढ़ना ही चाहती हूँ। फिर उसके जीत के सामने पछेंद्री पाल का भी कुछ नहीं चला, वो भी उसे एक्सेप्ट की और बोली, अरुणिमा, तुम में जो साहस है, तुम में जो जिद है, मैं मानती हूँ कि तुम अभी ही माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, लेकिन अब दुनिया के लिए तुम्हें दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ चढ़ना बाकी है। और उसके बाद उसे प्रशिक्षण देना शुरू होता है और टाटा उनके माउंटेनियरिंग के लिए स्पॉन्सर करता है 50 लाख रुपए, जो कि अरुणिमा सिन्हा खुद ही कहती है कि तब तक उन्होंने अपने लाइफ में 50 लाख रुपये कभी देखे नहीं थे। इसके बाद उनका प्रशिक्षण का दौर शुरू होता है। आज के लिए विशेष इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आज का मेरा यह प्रयास आप सबों को कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो सपोर्ट कीजिए। आप सबका दिन शुभ बीते। और इसकी अगला पार्ट मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।